तो ये जो इमारत थी, ये ऐसा कहा जाता है कि 7 मंजिला बननी थी, लेकिन कुछ वजूहात की वजह से 3 मंजिलों पे इसका काम रोक दिया गया है। 100 फीट की एक तकरीबन इमारत है, एक मकबरा है सलाबत खान का और उनकी बीवी का। अहमदनगर से 15 किलोमीटर दूर एक ऊंची पहाड़ी पर। नाजरीन, एक लोगों में बड़ी ही गलतफहमी है कि इसको चांद बीबी का महल कहते हैं। चांद बीबी निज़ाम शाही सल्तनत की एक रानी थी, बड़ी ही बहादुर रानी थी। अकबर बादशाह ने अहमदनगर के निज़ाम शाही सल्तनत पर, अहमदनगर के निज़ाम शाही हुकूमत पर हमला किया। चांद बीबी ने उस हमले का डटकर सामना किया और अकबर बादशाह को एक जंग में हरा दिया। इसलिए लोगों का कहना है कि ये मकबरा जो है ये चांद बीबी का महल है, लेकिन चांद बीबी का महल ये नहीं है। चांद बीबी की मज़ार इराक में मौजूद है। ये जो मेरे पीछे मकबरा है, ये सलाबत खान का मकबरा है। सलाबत खान निज़ाम शाही हुकूमत के एक बड़े मिनिस्टर थे। तारीख के सफ़र में आप सभी का इस्तकबाल, मैं हूँ अली। नाजरीन, अहमदनगर एक तारीखी शहर है। इस पर कई हुक्मरानों ने हुकूमत की और इन्हीं हुक्मरानों ने इसी शहर में दीगर इमारतें तामीर की। इन्हीं इमारतों में आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये महल, ये इमारत जो है इसको चांद बीबी का महल भी कहा जाता है। असल बात यह है कि चांद बीबी का महल नहीं है, ये सलाबत खान का मकबरा है। सलाबत खान अहमदनगर के जो निज़ाम शाही सल्तनत के जो बादशाह थे, मुर्तज़ा निज़ाम शाह, उनके दरबार में एक बड़े अहदे पर एक बड़े मिनिस्टर थे सलाबत खान, और उन्हीं का मकबरा ये तामीर किया गया है। सन 1579 के दरमियान सलाबत खान मुर्तज़ा निज़ाम शाह के दरबार में बड़े मिनिस्टर थे। उनके इंतकाल के बाद उनके लिए ये मकबरा तामीर किया गया। इस मकबरे में उनकी मज़ार शरीफ मौजूद है और उनकी जो बीवी है उनकी भी मज़ार शरीफ मौजूद है। दोस्तों, अब मैं आपको सलाबत खान के मज़ार की ज़ियारत कराऊंगा। इसी मकबरे के नीचे मौजूद निज़ाम शाही हुकूमत के एक मिनिस्टर सलाबत खान की जो मज़ार है उसको ये रास्ता जाता है। काफ़ी अंधेरे में मौजूद ये मज़ार, काले पत्थरों से बनाई हुई इमारत के नीचे सलाबत खान के मज़ार और उनकी बीवी की मज़ार भी मौजूद है। आप देख सकते हैं ये जो मेरे सामने कबर है, ये है सलाबत खान और उनकी बीवी की ये मज़ार है। नाज़रीन, सुल्ताना चांद बीबी के नाम से मशहूर ये महल, ये इमारत सलाबत खान का मकबरा है। काले पत्थरों से बड़ा ही खूबसूरत, आलीशान और मज़बूत मकबरा सलाबत खान के इंतकाल के वक़्त बनाया गया था। चांद बीबी अली आदिल शाह, जो अहमदनगर सल्तनत के निज़ाम थे, उनकी बीवी थी। उनके इंतकाल के बाद चांद बीबी ने अहमदनगर की सल्तनत को संभाला। मुग़लों की तरफ से होने वाली जंगों का चांद बीबी ने डटकर सामना किया, डटकर मुकाबला किया, लेकिन 1599 में चांद बीबी एक जंग में मारी गई और चांद बीबी को इराक में दफन किया गया। नाज़रीन,
आपको अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।